भारती ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.5। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र की ओर एक नज़र डालते हैं। रूट अंडर ए बी बराबर रूट ए इंटू रूट बी, इसको हम लोग अलग अलग पार्ट में भी लिख सकते हैं। देखिए, रूट का मतलब क्या हो गया, रूट बराबर हो जाता है 1/2। किसी का पावर रहता है उसको 1/2, जिसमें 4 का वर्गमूल हम लोग निकालते हैं क्या होता है, हो जाता है 2, तो इसका आधा ही ना हो गया, तो रूट अंडर मतलब इसका आधा हो जाता है। तो उसी तरह रूट अंडर ए बाई बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बटा में रूट अंडर बी। उसी तरह तीसरा नंबर है ब्रैकेट में रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी इंटू ब्रैकेट में बंद ब्रैकेट, फिर रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी ब्रैकेट बंद। इसको हम लोग या तो तोड़ के भी लिख सकते हैं, इसका भी फॉर्मूला होता है। चलिए इसको भी हम लोग तोड़ते हैं कि इस ब्रैकेट के अंदर कुछ इनको हम लोग कैसे गुना करते हैं। तो देखिए, रूट अंडर ए है तो सबसे पहले ये पहला पद, ये दोनों पद से गुना होगा, इससे और इससे, सबसे शुरू इससे गुना होगा ए से, उसके बाद इससे गुना होगा। तो रूट अंडर ए और रूट अंडर ए, देखिए रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर ए, फिर इससे गुना होगा, पहले माइनस का साइन लग जाएगा यहाँ पर, तो माइनस का चिन्ह लग गया यहाँ पर, रूट अंडर ए और रूट अंडर बी हो जाएगा। उसके बाद क्या है, प्लस बी और प्लस रूट बी प्लस रूट ए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस रूट ए भी हम लोग पहले लिख सकते हैं, उसके बाद प्लस रूट बी इस तरह। फिर क्या है, प्लस रूट बी और माइनस रूट बी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, प्लस रूट बी और माइनस रूट बी, तो प्लस रूट बी और रूट बी गुना हो जाएगा यहाँ पर, रूट बी इंटू रूट बी। तो ए और ए दोनों का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, दोनों का वर्ग रूट ए का होल वर्ग पूरा और माइनस रूट ए बी प्लस में रूट ए इंटू रूट बी। अब इसको भी लिख सकते हैं माइनस रूट बी का पूरा होल वर्ग इस तरह से। अलग माइनस रूट ए बी और प्लस रूट ए बी दोनों एक था तो कट गया, यानी कि इसका कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसको हम लोग काट दिए, देखिए रूट ए बी, तो हमने यहाँ रूट का मान कितना बचा था 1/2, तो ए बराबर ए का रूट है, जैसे में ए का रूट, तो हम लोग लिख सकते हैं ए का पावर 1/2 इस तरह से, तो ए का पावर 1/2 इस तरह होता है, तो इसका होल पावर 2 हो जाएगा। फिर माइनस बी का भी हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, होल पावर पूरा 2, ए का पावर 1/2, ए का पावर 1/2 और पूरा होल 2 है, तो एक क्या हो जाएगा, आपस में गुना हो जाएगा, 1/2 गुना 2 और माइनस बी 1/2 गुना 2। देखिए 1/2 2 2 कट जाएगा, फिर यहाँ 2 2 कट जाएगा, कि क्या बच गया यहाँ पर हमारा a माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या बच गया, क्या हो गया, रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी ब्रैकेट बंद ब्रैकेट फिर खुल गया, रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी, तो इसका फॉर्मूला a हो जाता है माइनस a माइनस बी। देखिए इसका एक शॉर्ट विधि निकालने का, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हम लोग को आया था ना ए का वर्ग और बी का वर्ग, क्योंकि हम लोग को रूट ए और रूट बी हम लोग को दिया हुआ है, ए और बी की जगह पर ए और बी की जगह दिया हुआ है ना, रूट ए और रूट बी, तो इसलिए हम लोग को क्या आया रूट में, तो रूट हम लोग को हट गया, तो क्या ए और माइनस बी हम लोग को सिर्फ बचा। उसके बाद अगला नंबर सवाल देखते हैं, अगला नंबर है चौथा नंबर, ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी बराबर हो जाएगा, इसको भी हम लोग गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी, क्योंकि देखिए ये और ये था, ये और ये में इसमें तो रूट नहीं लगा हुआ था, तो ए और ये रूट नहीं लगा हुआ था, हम लोग को ए स्क्वायर हो जाएगा, और जिसमें रूट लगा होता है उसका क्या आ जाता है, सिर्फ बी आ जाता है, तो और माइनस ये चिन्ह हो जाए, चिन्ह का साइन हो गया माइनस, तो माइनस बी। अब पाँचवा नंबर है रूट ए प्लस रूट बी ब्रैकेट बंद हो गया, और रूट सी प्लस रूट डी इस तरह है, इसका भी हम लोग गुना करेंगे, पहले या किससे गुना हो जाएगा, या सी से पहले गुना होगा उसके बाद डी से गुना होगा, चलिए इसको गुना करते हैं, रूट ए रूट सी प्लस में रूट ए प्लस सॉरी रूट डी, उसके बाद फिर बी, रूट बी किससे गुना होगा, रूट बी सी से और फिर रूट डी से, तो प्लस रूट बी और रूट सी प्लस में रूट बी रूट डी इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो इसका क्या हो गया, यही इसका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए छठा नंबर फॉर्मूला हो जाता है रूट अंडर ए प्लस रूट बी का पूरा होल वर्ग, इस तरह फॉर्मूला होता है। इसको भी देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए फॉर्मूला यहाँ पर एक आप याद रखिएगा फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, देखिए ए प्लस बी का होल वर्ग बराबर हो जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर, इस तरह से इसका फॉर्मूला हो जाता है, इसको आप याद रखिएगा। तो ए स्क्वायर ए की जगह क्या है, रूट ए, तो रूट ए का होल स्क्वायर हम लोग लिख देंगे, उसी तरह फिर प्लस 2 रूट ए और रूट बी इस तरह से लिख देंगे, उसके बाद प्लस b का होल स्क्वायर, तो b की जगह क्या है यहाँ पर, b की जगह पर देखिए यहाँ b है, यहाँ b लिखा हुआ था इसलिए b का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, देखिए यहाँ रूट b है तो रूट b का ना वर्ग होगा, तो रूट b का
होल वर्ग। तो देखिए रूट का मान हम कितना बताए थे, एक बटा दो होता है, तो एक बटा दो गुना दो प्लस में दो रूट ए रूट बी प्लस में बी का एक बटा दो पूरा पावर दो। देखिए दो दो कट गया, दो दो कट गया, कितना आ गया इसका उत्तर ए प्लस टू रूट ए रूट बी प्लस में बी, इसका यही अंतर हो गया। तो ये सब आप फार्मूला याद रखिएगा, पाँचों छः फार्मूला। पहला फार्मूला है, देखिए पहला फार्मूला था कि रूट में जो रहेगा उसको हम लोग बाहर लिख सकते हैं, दूसरा था कि बट्टा में भी रहे तो बट्टा में भी ये बाहर आ जाएगा, तो रूट ए प्लस रूट बी रूट ए माइनस रूट बी, इसको आप इस तरह से जब तोड़ेंगे तो क्या जाएगा ए माइनस बी में, इसका एक फार्मूला होता है, इसको भी आप याद रख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद क्या था, ए प्लस रूट बी इंटू में ए माइनस रूट बी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बी में रूट लगा हुआ था, ए में नहीं रूट लगा हुआ था, तो इसका ए स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पर जो था ए स्क्वायर। और उसके बाद पांचवा नंबर था ए रूट ए प्लस रूट बी इंटू में रूट सी प्लस रूट डी, तो इसका सबसे गुना कर देंगे उसी तरह से। और छठा नंबर था रूट ए प्लस रूट बी का होल वर्ग, तो इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है, इसको भी आप याद रखिएगा, और जिससे आपको ए वाला लिखने में आसानी हो जाए, ए प्लस टू रूट ए बी प्लस में बी। पहला नंबर सवाल है, बताइए नीचे दी गई परिमेय संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है, हमें परिमेय और अपरिमेय छटना है। तो चलिए देखते हैं, दो माइनस रूट पाँच, तो हमने आपको क्या बताया था कि वो संख्या जो रूट में होती है और पाई होती है वो अपरिमेय होती है, और जो संख्या पी बटा क्यू के रूप में हम लोग जिसे लिखते हैं वो परिमेय संख्या होती है। तो दो माइनस रूट पाँच एक ऐसी संख्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या, क्योंकि कोई भी अपरिमेय संख्या में हम लोग परिमेय संख्या को घटाएंगे तो अपरिमेय ही हम लोग को प्राप्त होगी। उसके बाद दूसरा नंबर सवाल है, तीन प्लस रूट तेईस माइनस रूट तेईस, देखिए इसको हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं, तीन प्लस रूट तेईस माइनस रूट तेईस, देखिए प्लस रूट तेईस और माइनस रूट तेईस कट गया, तो इसका कितना आ गया उत्तर तीन। तो तीन एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यह परिमेय है, परिमेय। अब तीसरा नंबर है, दो रूट सात बटा में दो रूट सात रूट सात, तो रूट सात और रूट सात दोनों ऊपर में था तो कट गया, तो कितना बचा यहाँ पर दो बटा सात, तो ये पी बटा क्यू के रूप में है, तो ये कौन सी कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या, ये कैसी संख्या है परिमेय, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको परिमेय संख्या। उसी तरह पांचवा है, एक बटा रूट दो, देखिए कोई भी संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो कैसे प्राप्त होगा हमें, वो अभी अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या। उसके बाद क्या है पांचवा, दो पाई, देखिए पाई तो हमने पहले ही कहा था कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो यह अपरिमेय संख्या होगी। तो इससे हमें क्या, हमने क्या सीखा कि कोई भी अपरिमेय संख्या चाहे वो परिमेय संख्या में घटाए चाहे जोड़े या गुणा करें या भाग करें तो वो कैसे संख्या बना देती है, वह अपरिमेय संख्या ही बना देती है। दूसरे नंबर सवाल है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, हमें इसको सरल करना है, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं, तीन प्लस रूट तीन ब्रैकेट में है दो प्लस रूट दो, इसको किस कैसे गुना करते हैं, पहला ब्रैकेट का रहता है तो उसको दूसरा ब्रैकेट के पहला पद से गुना करते हैं और फिर दूसरा पद से गुना करते हैं, तो चलिए गुना करते हैं, तीन दुना क्या हो गया छः, फिर तीन और रूट दो गुना हो गया तो तीन रूट दो, इसको लिख सकते हैं रूट, उसके बाद दूसरा पद से गुना हो गया है रूट तीन गुना रूट दो प्लस में रूट तीन गुना में दो फिर रूट तीन गुना रूट दो, तो इसको प्लस रूट तीन गुना रूट दो हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं छः प्लस तीन रूट दो प्लस में दो रूट तीन, इसको लिख सकते हैं इस तरह से, और रूट तीन और रूट दो प्लस में रूट छः, इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि रूट ए और रूट बी को हम लोग क्या लिखना सीखे थे, ए अंडर रूट ए बी, तो यही इसका आंसर हो गया। चलिए दूसरा नंबर सवाल है, तीन प्लस रूट तीन ब्रैकेट के अंदर रूट तीन माइनस रूट तीन, तो इसका मैंने आपको फार्मूला बताया था क्या, ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी का फार्मूला बराबर में क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो ए स्क्वायर की जगह क्या था यहाँ पर तीन है, तो यहाँ पर तीन का स्क्वायर लिख देंगे, तीन का वर्ग, और माइनस में बी कितना है रूट तीन, तो रूट तीन का वर्ग यहाँ पर लिख देंगे रूट तीन का वर्ग इस तरह से, और तीन का वर्ग कितना हो गया नौ, और माइनस यहाँ रूट तीन हम आपको क्या बोले थे कि रूट तीन कितना वैल्यू होता है, तीन का पावर एक बटा दो और दो और दो कट जाएगा ये, तो कितना बचेगा यहाँ पर तीन, तो नौ माइनस तीन घट जाएगा कितना आ जाएगा यह छः, तो इसका आंसर इस तरह से भी आप छः लिख सकते हैं। तो चलिए इसको एक नज़र तोड़ने पर डालते हैं, तो पहला ब्रैकेट का दूसरा ब्रैकेट से जब गुना होगा तो पहली संख्या से होगा तो तीन गुना तीन होगा, उसके बाद
तीन गुना रूट तीन होगा, तो तीन गुना तीन बराबर नौ और तीन रूट तीन। देखिए यहाँ प्लस में तीन था और ये माइनस में रूट तीन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस तीन रूट तीन, उसके बाद प्लस में रूट तीन और प्लस में तीन रूट तीन है, तो गुना हो जाएगा कितना हो जाएगा ये रूट तीन गुना तीन। देखिए फिर रूट तीन और माइनस में रूट तीन है, माइनस यहाँ लग जाएगा क्योंकि प्लस गुना माइनस माइनस होता है ना, तो रूट तीन का यहाँ वर्ग, रूट तीन का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए नौ माइनस तीन रूट तीन प्लस में, इसको भी लिख सकते हैं तीन रूट तीन, और देखिए रूट तीन का वर्ग हम लोग तोड़े थे कितना आया था या तीन आया था, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस तीन। देखिए माइनस तीन रूट तीन और प्लस रूट तीन घट जाएगा, तो कितना जाएगा या जीरो, और नौ नौ फिर यह कितना है माइनस तीन, तो नौ माइनस तीन बराबर कितना हो जाएगा या छः, इसका आंसर छः। देखिए इस तरह से भी आप आंसर लिख सकते हैं। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं, रूट पाँच प्लस रूट दो का पूरा होल वर्ग है, तो इसका भी हम लोग उत्तर देखते हैं, रूट पाँच प्लस रूट दो का होल वर्ग बराबर, इसको हम लोग लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है ए प्लस बी का होल वर्ग का ए स्क्वायर प्लस में टू ए बी प्लस में बी का वर्ग, इस तरह होता है ना, तो इसको भी हम लोग लिखते हैं रूट पाँच प्लस रूट दो का होल वर्ग है। तो देखिए यहाँ पर ए और बी की जगह क्या है रूट पाँच और रूट दो, तो यहाँ पर ए और बी की जगह पर वही बिठा देंगे, तो ए की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर रूट पाँच का होल वर्ग प्लस में दो, दो गुना में था यहाँ पर, तो ए उसके बाद ए कितना है रूट पाँच, तो रूट पाँच से गुना हो जाएगा, फिर गुना रूट दो, फिर प्लस में बी कितना है रूट दो, तो रूट दो से होल वर्ग हो जाएगा। यहाँ रूट 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 दो और दो दोनों कट जाएगा, क्योंकि रूट पाँच हम लोग तो यहाँ जानते हैं निकालने की रूट पाँच कितना होता है रूट एक बटा दो, और एक बटा दो और दो कट जाता है, कट जाता है ना, तो हम लोग क्या लिख देते हैं लिख सकते हैं इसको पाँच प्लस में दो रूट दस, गुना हो जाएगा पाँच गुना दो, ब्रैकेट रूट के अंदर आएगा तो गुना हो जाएगा ना, पाँच दूना दस, तो रूट दस दो रूट दस प्लस में फिर यह हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यह दो आ जाएगा, क्योंकि दो आर रूट दो कट जाएगा, दो आर रूट कट जाएगा तो दो आ जाएगा इसका, तो पाँच प्लस दो कितना हो गया यह सात प्लस में दो रूट दस, इसका आंसर हो गया। चलिए चौथा नंबर सवाल देखते हैं, चौथा नंबर सवाल है रूट पाँच माइनस रूट दो ब्रैकेट बंद, फिर है रूट पाँच प्लस में रूट दो। देखिए ए भी वही फॉर्मूला है, ए प्लस बी हम लोग जो पढ़े थे, और ए माइनस बी बराबर ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, तो यही वही फॉर्मूला, बस खाली इसको आगे लिख दिया और इसको पीछे लिख दिया, आगे पीछे लिखने से कुछ नहीं होगा, फॉर्मूला जो है वही होगा। तो चलिए इसका फॉर्मूला से हम लोग आंसर लिख देते हैं, ए का वर्ग कितना हो जाएगा रूट पाँच का पूरा वर्ग, और माइनस जो फॉर्मूला का चिन्ह था वो माइनस लिख दें, उसका बी का वर्ग कितना है रूट दो का पूरा वर्ग, तो दो और रूट दो रूट दो और रूट कट जाता है, दो और रूट दो कट गया, तो पाँच माइनस दो बराबर क्या हो गया पाँच माइनस दो बराबर तीन, तो इसका आंसर तीन हो गया। तीसरे नंबर सवाल है, आपको याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधि मान लीजिए सी, वृत्त की परिधि हम लोग को क्या मानना है सी, और उसके व्यास मान लीजिए डी, उसका व्यास क्या है कितना है डी है, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बटे डी है, इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है, इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो देखिए वृत्त की परिधि हम लोग किसे कहते हैं, तो जो वृत्त की जो साइड साइड में होती है उसे हम लोग वृत्त की परिधि कहते हैं, और वृत्त का व्यास जो इसके बीच में जो लंबाई होती है केंद्र से जाती हुई उसे हम लोग वृत्त का व्यास कहते हैं। तो हम लोग को उत्तर में क्या दिया हुआ है पाई बराबर सी बटा डी दिया हुआ है, पाई बराबर सी बटा डी, या तो सी या तो डी या तो दोनों अपरिमेय हो, या तो देखिए अपरिमेय क्यों होगा, क्योंकि देखिए पाई तो अपरिमेय संख्या है, तो पाई बराबर या तो सी अपरिमेय होगी या तो डी, तभी तो पाई अपरिमेय के बराबर होगा, या तो सी या तो दोनों अपरिमेय हो तो अपरिमेय होगा, इसलिए इस तरह कोई भी परिमेय नहीं है। चौथा नंबर सवाल है, संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए, हमें रूट 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। आप सबसे पहले स्केल की सहायता से 9.3 सेंटीमीटर लंबाई तक एक रेखा खींच लीजिएगा, यहाँ तक हमने खींच लिया 9, 1, 2, 3, देखिए यहाँ तक खींच लिया हमने, इस बिंदु का नाम हमने ए और यहाँ तक का बी रख दिया, उसके बाद अपने से एक सेंटीमीटर आप यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दीजिएगा, बिंदु बी से लेकर एक सेंटीमीटर हमने बढ़ा दिया, ओ तक हमने यहाँ एक सेंटीमीटर लिख दिया, उसके बाद आप कंपास की सहायता से इसका मध्य बिंदु निकालिए संख्या रेखा का, आप चाहें तो इसका मध्य बिंदु आप स्केल की सहायता से भी नाप कर निकाल सकते हैं, पर हमें कंपास की सहायता से निकालना है, तो चलिए
इसको निकालते हैं। सबसे पहले जो आधी दूरी रहेगी उससे अधिक लेना हमें कंपास की सहायता से, आप जितना भी ले सकते हैं उससे आधी दूरी से अधिक लेना। उसके बाद ऊपर में एक चाप ऐसे काटना है और नीचे में एक चाप ऐसे काट देना है। नीचे में आपको दिख रहा होगा ऐसे काट देंगे, उसके बाद बिंदु ओ से बिठा के, उसके बाद बिंदु ए से बिठा कर उसी तरह यहाँ ऊपर में काट देंगे एक चाप और एक चाप नीचे काट देंगे। काट दिए। अब जो हमें दोनों का कटिंग पॉइंट प्राप्त हुआ उसको स्केल की सहायता से मिला देंगे, स्केल की सहायता से दोनों को मिला देंगे यहां से और यहां तक की दूरी को इस तरह से डॉट 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 करके हमने इसको मिला दिया। अब देखिए इस तरह से हम लोग मिलाए तो इसका जो इस जगह बिंदु जहां प्रतिच्छेद किया संख्या रेखा को वो इसका क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। इसका क्या हो गया, मध्य बिंदु। चलिए इसका नाम हमने पी रख दिया, पी रख दिया। बिंदु पी से बिंदु ओ तक की दूरी नाप कर उसको कंपास की सहायता से इस तरह से आप घुमा दीजिए। अब घुमा देंगे, बिंदु ए भी हमें मिल गया। अब उसके बाद बिंदु जो हमें पी दिखाई दे रहा है वहां से एक सीधी रेखा खींच देना है, इस पर मिला देना है इस तरह से सीधी रेखा, चाहे आप इसको लंब भी बोल सकते हैं। लंब हमने यहाँ पर खींच दिया जो 90 डिग्री का होता है, हमने खींच दिया लंब। अब कंपास की सहायता से जो बिंदु बी हमें था उसको और यहाँ जो इस अर्धगोला को कट किया उस पर अब क्या करेंगे, इससे एक इस तरह से घुमा दीजिए आप। कंपास की सहायता से हमने घुमा दी यहाँ पर। अब देखिए ये तो इसकी दूरी आगे तक चली गई, तो यहाँ पर इसको ले जाने के लिए आप इस संख्या रेखा को स्केल की सहायता से आप इसको बढ़ा दीजिए इस तरह से। अब जो हमें यहाँ पर प्राप्त हुई बिंदु, ये बिंदु प्राप्त हुई बिंदु Q, बिंदु Q हमें प्राप्त हुई। अब देखिए यहाँ पर बिंदु B से Q तक की दूरी, बिंदु B से Q तक की दूरी, BQ की दूरी कितनी हो गई, रूट नौ दशमलव तीन हमें प्राप्त हो गई। तो यही इसका आंसर हो गया। पांचवा नंबर सवाल है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। हमें हरों का परिमेयकरण करना है। कोई भी संख्या होती है P बटा Q के रूप में, उसमें अंश P को कहते हैं और Q को हर कहते हैं, तो हमें नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं, तो इसका हमें परिमेयकरण करना है। तो रूट सात को हमें परिमेयकरण करना है, तो चलिए इसका उत्तर लिखते हैं, एक बटा रूट सात लिख दें। जब भी परिमेयकरण करना हो तो नीचे वाली संख्या से ही ऊपर भी गुना कर देंगे और नीचे भी आप गुना कर दीजिए, इस तरह कर दिए बराबर में, फिर क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर से एक और रूट सात गुना हो जाएगा तो रूट सात ही हो जाएगा और नीचे रूट सात गुना रूट सात हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट सात बटा में रूट सात का पूरा होल वर्ग, और हमने आपको बताया था कि रूट का मतलब होता है रूट सात वन बटा दो, तो रूट सात का पूरा है होल वर्ग, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सात का पावर एक बटा दो पूरा पावर होल स्क्वायर बराबर में सात एक बटा दो गुना दो हो जाएगा, इससे इससे गुना हो जाएगा या दो दो कट जाएगा, तो कितना इसका आंसर हो गया सात। तो नीचे का आंसर क्या हो गया, रूट सात बटा रूट सात का वर्ग हमने निकाला कितना आया यहाँ पर, इसका सात आया, तो यहाँ पर सात लिख देंगे रूट सात बटा सात, इसका यही आंसर हो गया। दूसरा नंबर है, एक बटा रूट सात माइनस रूट छः का परिमेयकरण करना है, तो चलिए इसका उत्तर लिखते हैं, एक बटा रूट सात माइनस रूट छः। तो इसका भी परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, हर को दोनों ऊपर नीचे से गुना कर देंगे, पर यहाँ देखिए आप माइनस लगा हुआ है तो माइनस जब भी गुना होगा इस तरह चिन्ह रहेगा तो वो प्लस में बदल जाएगा, तो रूट सात प्लस में रूट छः और बटा में रूट सात प्लस में रूट छः, इस तरह से यह हो जाता है, तो ऊपर का ऊपर से गुना हो जाएगा और नीचे का नीचे से गुना हो जाएगा, तो बराबर में क्या हो जाएगा रूट सात प्लस रूट छः, एक से कोई भी संख्या गुना होगा तो उतने ही हमें प्राप्त होगी जो संख्या से गुना करते हैं, और रूट सात माइनस रूट छः या रूट सात प्लस रूट छः, देखिए यहाँ पर रूट सात माइनस रूट छः और ब्रैकेट में क्या हो गया रूट सात प्लस में रूट छः, देखिए यहाँ पर एक वो हमें फॉर्मूला नजर आ गया कि ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, आपको हमने बताया था चाहे यह संख्या आगे हो या पीछे हो, ए माइनस बी आगे हो या ए प्लस बी पीछे हो, तो अभी हम इसको क्या लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह इसका फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो इसका क्या हो गया रूट सात प्लस रूट छः, देखिए एक की जगह हमें क्या लिखा हुआ यहाँ पर रूट सात, रूट सात का क्या हो जाएगा यहाँ पर पूरा होल वर्ग, उसके बाद क्या माइनस फॉर्मूला का जो चिन्ह रहता है वो माइनस यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद रूट छः का होल वर्ग और दो और रूट दो कट रूट कट जाता है, दो और रूट कट जाता है, तो क्या बच गया ऊपर में रूट सात प्लस में रूट छः और बट्टा में एक, ए सात माइनस छः हो गया, रूट और दो तो कट चुका था, तो यहाँ पर हमें सात और माइनस छः ही बचा, तो सात और माइनस छः सात में छः घट जाएगा कितना बचेगा हमें एक ही प्राप्त होगा, तो रूट सात प्लस में रूट छः बटा में एक हमें प्राप्त हुआ, तो इसका आंसर ए हो गया। तीसरा नंबर सवाल है, एक बटा रूट पाँच प्लस में रूट दो का परिमेयकरण करना है, तो उत्तर में लिखेंगे एक बटा रूट पाँच प्लस में रूट दो गुना, देखिए जब भी हर का परिमेयकरण करते हैं तो हर ऊपर और नीचे से दोनों से गुना कर देते हैं, तो इसका सिर्फ चिन्ह बदल देते हैं, प्लस हो तो माइनस और माइनस हो तो प्लस, तो यहाँ पर प्लस है तो इसको हम लोग माइनस लिख देंगे रूट पाँच माइनस रूट दो बटा में रूट पाँच माइनस
रूट दो, सो गुना कर दे, देखिए गुना कर दे, गुना हम लोग क्यों करते हैं, देखिए इसको और इसको काट काट देंगे तो ये दोनों कट जाएगा, क्योंकि रूट पाँच से गुना भी किए और भाग भी किए हैं, तो ये तो कट भी जाएगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, रूट पाँच माइनस रूट दो, बट्टा में क्या हो गया, रूट पाँच प्लस में रूट दो, फिर ब्रैकेट में रूट पाँच माइनस रूट दो, हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें एक फार्मूला नज़र आ रहा होगा कि a प्लस बी इंटू में a माइनस बी का फार्मूला, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, रूट पाँच माइनस रूट दो बट्टा में, इसका फार्मूला क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह क्या है, रूट पाँच, तो हम लोग रूट पाँच का वर्ग लिखेंगे और माइनस फार्मूला का चिन्ह तो माइनस लिख देंगे, उसके बाद रूट दो का होल वर्ग इस तरह से, तो इस ऊपर में रूट पाँच माइनस रूट दो। और हमने क्या अभी सीखा था कि रूट और दो कट जाता है, रूट और दो कट जाएगा, फिर यहाँ क्या क्या बचेगा, पाँच माइनस दो, पाँच माइनस दो बचा यहाँ पर, तो रूट पाँच माइनस रूट दो बट्टा में, पाँच माइनस दो घट गया कितना आ गया यार, तीन, तो इसका क्या हो गया आंसर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग तो गुना कर सकते थे कि पहला संख्या पर दूसरी संख्या पर, इस तरह में यह बहुत लंबा चला जाता, तो आप इस फॉर्मूला को सिंपली याद रखिएगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अगर आप बाय द वे फॉर्मूला भूल जाएं तो आप इससे इस तरह से गुना कर सकते हैं कि पहला संख्या इससे पहला संख्या दूसरे संख्या के पहला और उसके बाद दूसरा से गुना होगा, उसके बाद इससे पहला और दूसरा से गुना होगा इस तरह से। पाँचवा नंबर सवाल है, एक बटा रूट सात माइनस दो, इसका हमें हर का परिमेयकरण करना है, तो चलिए इसका उत्तर लिखते हैं, एक बटा रूट सात माइनस दो। देखिए इसका भी क्या करेंगे, माइनस तो प्लस से गुना कर देंगे, दोनों ऊपर नीचे गुना और भाग कर देंगे, तो रूट सात प्लस दो बटा में रूट सात प्लस में दो। तो हमने क्या सीखा कि जब भी यह हर में अगर माइनस रहे तो उसको प्लस से गुना और भाग कर देंगे, और प्लस रहे तो उसे माइनस से गुना और भाग कर देंगे, तो इसे गुना कर देते हैं, तो एक से गुना होगा पूरा संख्या, वही आ जाएगा रूट सात प्लस में दो बट्टा में हो जाएगा रूट सात माइनस दो, इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया और इसको रूट सात प्लस में दो। तो देखिए यहाँ पर भी एक फार्मूला हमें नजर आ रहा है कि ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, हमने यहाँ फार्मूला कैसे नजर आ रहा था, देखिए इसका और इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म दोनों एक है, इसका भी पहला टर्म और इसका यानी कि इसका दूसरा टर्म सॉरी इसका दूसरा टर्म और इसका दूसरा टर्म दोनों एक समान है, तो हमने यहाँ पर एक फार्मूला नजर आ जाता है कि माइनस, हमने बताया था ना कि माइनस आगे भी लगा दीजिए चाहे आप पीछे भी लगा दीजिए, ए माइनस बी चाहे आप इसको बोलिए, और ए प्लस बी बराबर दोनों का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी ही स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होता है दोनों का फॉर्मूला। अब तो रूट सात प्लस दो बटा में हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या है रूट सात का होल वर्ग, और फिर माइनस जो फॉर्मूला का चिन्ह होता है माइनस हमने लिख दिया, उसके बाद दो का होल वर्ग लिख देंगे। देखिए दो और रूट दो, रूट हमेशा याद रखिएगा, दो और रूट कट जाएगा, दो और रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, रूट सात प्लस दो बटा में सात माइनस दो का वर्ग क्या हो जाएगा चार, तो यहाँ क्या बचा रूट सात प्लस दो बटा में सात में चार कट गया तो तीन, तो यही इसका आंसर हो गया।